हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट वी अप्लाई प्रॉपर्टी, रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, दैट इज देखिए लिमिट हमारे पास 0 से पाई है तो सम ऑफ लिमिट बनेगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स। एक्स को रिप्लेस करना है सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, दैट इज ये बना पाई माइनस एक्स। ओके, सो आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स रिप्लेस बाई पाई माइनस एक्स, सो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। ओके, 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सो ये 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 गिवन था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड में ऐड होगी आई प्लस आई 2i 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, यह आ जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आएगा, तो 0 से पाई इसकी लिमिट है। ओके, सो 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वेयर एक्स, सो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स मीन्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा ये, अपॉन 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। सो पाई 0 से पाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स। ओके, नाउ सीकेंट स्क्वेयर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, 0 से पाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन इस सीकेंट स्क्वेयर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। ओके, प्लस टेन स्क्वेयर एक्स पाई इंटीग्रल 0 से पाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन ये 1 प्लस टू टेन स्क्वेयर एक्स। ओके, नाउ देखिए सीकेंट स्क्वेयर पाई माइनस एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स होगा और टेन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स ये टेन स्क्वेयर एक्स ही होगा। सो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी है इफ 0 से 2a इंटीग्रल 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इफ कब लगेगी ये प्रॉपर्टी, व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2a हमारे पास है पाई, अगर हम इस प्रॉपर्टी से लिमिट को कंपैरिजन करें तो 2a ये हमारे पास है पाई, तो क्लियरली आप देखो कि एफ एक्स हमारे पास है सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन
वन प्लस टू टेन स्क्वेयर एक्स है, तो हम इसको टू ए माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स लिखें, एक्स को रिप्लेस करें पाई माइनस एक्स से, सीकेंट स्क्वेयर पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस टू टेन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। सो यहाँ से हमें वन मिलेगा, सीकेंट स्क्वेयर पाई माइनस एक्स ये होगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स, वन प्लस टू टेन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स ये बन जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स। तो देखिए हमें वापस एफ एक्स ही मिल जाता है, जो फंक्शन हमें गिवन था वही मिल जाता है, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ओके सो देखिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, तो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ करने पर रिजल्ट बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डबल होगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगा। ओके क्लियर है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन वन प्लस टू टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अब हम पुट करें, नाउ पुट टेन एक्स को टी पुट करेंगे, सो सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो देर फोर टी इज इक्वल टू जीरो इसमें रखें, वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू तो देर फोर टी इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू, ये होता है नॉट डिफाइंड। सो नई लिमिट्स हमारे पास आ गई, टू आई इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स ये तो बन जाएगा डी टी अपॉन वन प्लस टेन एक्स को हमने टी पुट किया तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर। देखिए बाहर टू पाई था तो ये टू पाई आ जाएगा। ओके देखो ये टू से टू हम कैंसिल कर सकते हैं, सो आई इज इक्वल टू पाई, सॉरी यहाँ पर टू भी आएगा। ओके जीरो से इनफाइनाइट डी टी अपॉन टू कॉमन ले तो वन बाई टू प्लस टी स्क्वेयर, सो ये टू बाहर निकालें तो ये बन जाएगा पाई बाई टू, जीरो से इनफाइनाइट डी टी अपॉन इस वन बाई टू को हम लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट टू का होल स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बना कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है तो हम इसका यूज़ करें। सो पाई बाई टू वन बाई ए ये वन बाई रूट टू टेन इनवर्स टी अपॉन वन बाई रूट टू, लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट। ओके सो यहाँ से देखिए अब हम लिमिट रखें, पहले एक्स की अपर वैल्यू को रखेंगे माइनस फिर एक्स की लोअर वैल्यू को रखेंगे, तो फर्स्ट देखिए पाई अपॉन टू ये जो वन बाई रूट टू है रिवर्स होकर रूट टू अपॉन वन बनेगा, ये टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स जीरो, सो यहाँ से पाई अंडर रूट टू अपॉन टू टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई टू और टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो ये बनेगा अंडर रूट टू पाई स्क्वेयर अपॉन फोर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, सो क्वेश्चन है इंटीग्रेट जीरो से पाई बाई टू एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट मान ले इसको, फर्स्ट अप्लाई प्रॉपर्टी रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, सो एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स से, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, जीरो से पाई बाई टू माइनस एक्स
साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ओके, सो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सो नुमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो नुमरेटर को हम ऐड कर देंगे। ओके, एक्स कैंसिल हो गया, सो यहाँ से देखिए आई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सो यहाँ से देखिए मैं इस पाई बाई 2 को बाहर निकाल लूँ इंटीग्रेशन से, सो ये पाई बाई 2 ऊपर रह गया 1 इंटू डी एक्स। अब ये 0 से पाई बाई 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको रूट 2 से हम डिवाइड करते हैं। ओके, देखिए ये रूट 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 बाई रूट 2 को कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 1 बाई रूट 2 है कोस एक्स के साथ इसको साइन पाई बाई 4 लिख दें। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास डी एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ओके, सो 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कोस सीकेंट एक्स होता है, सो ये जो 1 बाई साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इसको हम लिखेंगे कोस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए जो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, क्लियर। तो यहां से हम फॉर्मूला रखेंगे पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 लॉग कोस सीकेंट ये एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस कोट एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, सो अब पहले हम एक्स की वैल्यू रखें पाई बाई 2 लॉग कोसिकेंट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस कोट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट लॉग कोसिकेंट पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4। ओके, सो ये पाई अपॉन 2 रूट 2, देखिए कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा ये होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट पाई बाई 4 कोट 90 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा, तो प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस लॉग कोसिकेंट पाई बाई 4 इज रूट 2 और कोट पाई बाई 4 इज 1। नाउ पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 सिकेंट पाई बाई 4 रूट 2 10 पाई बाई 4 1 होता है माइनस लॉग रूट 2 माइनस 1 लॉग m माइनस लॉग n, सो यहां से बनेगा लॉग m अपॉन n लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। सो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ओके, नाउ सो
सो आई इज इक्वल टू, ये टू डिवाइड में जाएगा, तो पाई अपॉन फोर अंडर रूट टू लॉग, देखिए यहाँ से रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, इसको रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करें और रूट टू माइनस वन से, रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और रूट टू प्लस वन से डिवाइड, तो ये पाई अपॉन फोर अंडर रूट टू लॉग, ये रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट टू स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, सो दिस इज इक्वल टू वन। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करें, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी, टू लॉग अंडर रूट टू प्लस वन, ये टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन टू रूट टू अपॉन लॉग रूट टू प्लस, सॉरी पाई अपॉन टू रूट टू लॉग रूट टू प्लस वन, ये इसका आंसर बनेगा। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रेट, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कोस एक्स। देखिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहें, प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें तो एक्स को रिप्लेस करेंगे सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स से, साइन स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स, वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, जीरो से पाई बाई टू, देखिए साइन स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू, सॉरी साइन स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स इसको लिखेंगे कोस स्क्वेयर एक्स। ओके सो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम तो दोनों का आएगा वन प्लस कोस एक्स साइन एक्स, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स वन आ जाएगा। ओके क्लियर है, सो टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू देखिए यहाँ पर हमें ये मिला था डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कोस एक्स, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वेयर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोस स्क्वेयर एक्स, सो टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, देखिए डी एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स ये तो बन जाएगा सीकंट स्क्वेयर एक्स, वन बाई कोस स्क्वेयर एक्स ये बन जाएगा सीकंट स्क्वेयर एक्स, और इसको कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करोगे तो देखिए साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, एक कोस कैंसिल होगा तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन एक्स। ओके सीकंट स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है प्लस टेन एक्स, अब पुट करें हम टेन एक्स को टी, सो सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी टी, सो यहां से देखिए टू आई इज इक्वल टू, देखिए पुट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, जब एक्स का मान जीरो है तो टी जीरो, जब एक्स पाई बाई टू है तो टी इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट डी टी अपॉन ये आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन, तो ये डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो देखिए इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से सोल्व करें तो ये बनेगा, देखिए जीरो से इनफाइनाइट डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टी,
वन बाई टू इंटू कोफिशियंट ऑफ टी का होल स्क्वेयर, यही हम इसमें ऐड करेंगे और ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोफिशियंट ऑफ टी कितना है, वन, तो यानी कि वन बाई टू का स्क्वेयर हम इसमें ऐड करें और वन बाई टू का स्क्वेयर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये प्लस वन। नाउ आगे हम देखें क्या बनता है। आगे ये बनेगा 2i इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ये dt अपॉन पहले तीन टर्म से फॉर्मूला t प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर, वन माइनस ये वन बाई फोर तो थ्री बाई फोर, तो ये रूट थ्री बाई टू का स्क्वेयर लिखेंगे हम इसको। ओके, सो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी प्लस वन बाई टू अपॉन अंडर रूट थ्री बाई टू, जीरो से इनफाइनाइट इसकी लिमिट है। सो देखिए ये टू अपॉन रूट थ्री हो गया, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स ये वन बाई टू अपॉन अंडर रूट थ्री बाई टू हो गया। ओके, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री, टेन इनफाइनाइट पाई बाई टू होता है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई टू, टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री दिस इज थर्टी पाई बाई सिक्स, ठीक है। सो ये टू आई इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री, देखिए पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री हम सोल्व करें इसको तो सिक्स एलसीएम आएगा, तो ये आएगा थ्री पाई माइनस पाई, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, ये टू पाई अपॉन सिक्स कैंसिल हो गया ये। सो यहाँ टू आई इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू टू डिवाइड में आएगा, ये टू डिवाइड में आएगा, तो ये टू से टू कैंसिल, तो पाई अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट जीरो से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस रेज टू पावर फोर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर फोर एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, रिप्लेस करें x को बाई पाई बाई टू माइनस एक्स से, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। ओके, अपॉन कोस रेज टू पावर फोर ये पाई बाई टू माइनस एक्स, ये पाई बाई टू माइनस एक्स, यहां से देखो जीरो से पाई बाई टू ये पाई बाई टू माइनस एक्स साइन नाइन्टी माइनस एक्स कोस नाइन्टी माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन साइन की पावर फोर पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस सॉरी साइन की पावर फोर हो जाएगा, ये कोस रेज टू पावर फोर हो जाएगा। ओके, दोनों को हम ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड टू आई इज इक्वल टू, देखिए ऐड करने पर हमें मिलेगा, यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा पाई बाई टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन की पावर फोर प्लस कोस की पावर फोर, ये रिजल्ट मिलेगा ऐड करने पर। सो टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, हम इससे बाहर निकालें इंटीग्रेशन से, पाई बाई टू बाहर निकालते हैं, जीरो से पाई बाई टू डी एक्स सॉरी साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर फोर प्लस कोस रेज टू पावर फोर, डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस रेज टू पावर फोर। तो देखिए मैं नोमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस रेज टू पावर फोर से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x secant square x, नोमरेटर में तो बनेगा ये, डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस 10 की पावर 4x। ओके,
अब हम पुट करेंगे, 10x को t पुट कर लें, सॉरी 10 square x को t पुट कर लें। हाँ 10 square x को हम t पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2 10x और 10x का डेरिवेटिव secant square x होगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो लिमिट भी चेंज होगी, तो जब हम लिमिट चेंज करेंगे देखिए, जब टी एक्स का मान 0 है तो टी का मान भी 0, और जब एक्स का मान पाई बाई 2 है तो टी का मान हो जाएगा नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो देखिए ये ऊपर तो आ गया dt और नीचे बन गया 1 + t², क्लियर है, ये इंटीग्रेशन बना टेन इनवर्स टी का, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ये पाई बाई 4 और था इसके साथ। नाउ अब हम लिमिट रखें, तो देखो लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4, टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2, टेन इनवर्स 0 इज 0, सो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन 8, ये 2 डिवाइड में आएगा इधर आकर तो पाई स्क्वेयर अपॉन 16, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर है।